ऐसे महान वे स्वाभिमानी व्यक्तित्व की मैं अनुयायी। बस आप डॉक्टर अम्बेडकर महाराष्ट्र से, वहाँ की जातिवादी पार्टियों एवं हिंदुत्ववादी संगठनों ने तो भारतीय संविधान सभा में बाबा साहब को चुनकर नहीं जाने दिया था, उसमें चुने हुए नुमाइंदे ही मेंबर हो सकते थे, लेकिन महाराष्ट्र में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो वहाँ की जातिवादी ताकतें थी, हिंदुत्ववादी ताकतें थी, संगठन थे, तो महाराष्ट्र से बाबा साहब को चुनकर संविधान सभा में नहीं आने दिया। तब फिर बंगाल के दलितों ने वहाँ मुस्लिम लीग के सहयोग से खुलना व जयसूर की सीट से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान सभा में जिता कर दिया। जब अपने देश का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान अलग से देश बना, भारत अलग से, तो उस समय ये शर्त रखी गई थी, जो एरिया बिल्कुल लगा हुआ था, कि जिस एरिया में मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है वो पाकिस्तान के हवाले कर दी जाएगी, और जहां पर हिंदुओं की आबादी 50% से ज्यादा है वो बंगाल में रह जाएगी। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस खुलना और जयसूर की सीट से चुनकर आए, तो वहां पर मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा नहीं थी, हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, हिंदुओं की आबादी 50% से ज्यादा थी, और उसमें भी दलित वर्ग के लोग बड़ी तादाद में थे। जिस खुलना और जयसूर से बाबा साहब संविधान सभा में जीत कर आए, उस इलाके को फिर उस समय हिंदुत्ववादी ताकतों ने, जातिवादी ताकतों ने, पंडित नेहरू एंड कंपनी के लोगों ने उस समय उस इलाके को, उस क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया, और नतीजा क्या हुआ? फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो पाकिस्तान के संविधान सभा के सदस्य कहलाए, भारत से उनका नाता टूट गया। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय सोचा कि मेरे लोग तो भारत में रहते हैं, मेरे लोग पाकिस्तान में ज्यादा नहीं रहते हैं, मैं पाकिस्तान की संविधान सभा में बैठकर क्या करूंगा। उन्होंने पाकिस्तान की संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देकर ये कहा जाता है कि वहीं से वो इंग्लैंड चले गए और अंग्रेजों को ये सारी बातें बताई। अंग्रेजों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को गंभीरता से लिया, तो उसके बाद फिर अंग्रेजों ने तो पंडित नेहरू को उस समय ये कहा, जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, उनको ये कहा कि हम आपको आजादी देने के लिए रजाबंद हो गए हैं, हम भारत को छोड़े, लेकिन उससे पहले आपने जिस क्षेत्र को पाकिस्तान के हवाले कर दिया है, या तो उस क्षेत्र को वापस ले लो, और यदि नहीं लेते हैं तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो भारत की संविधान सभा है उससे जो इलेक्टेड मेंबर है उसको रिजाइन कराएं और बाबा साहब को उसमें जिता कर भेजें। तब जाकर फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को महाराष्ट्र से भारत की संविधान सभा से जो मेंबर वहां से चुनकर आया था उससे रिजाइन कराया। तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो भारतीय संविधान सभा में वो मेंबर बने। कितना संघर्ष करना पड़ा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर फिर वो संविधान सभा में चुनकर आ गए। इसलिए आज भारतीय संविधान में पूरे देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, ओबीसी वर्गों के लोगों को जो कुछ भी कानूनी अधिकार मिले हैं तो वे सब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। यदि वो संविधान सभा में नहीं होते तो वो आपको कानूनी अधिकार नहीं दिला पाते। इसके साथ ही देश में धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग भी जो थोड़े बहुत सुरक्षित हैं तो वे भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ही देन है। लेकिन अंग्रेजों के जाने व भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भी फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ यहाँ जातिवादी ताकतों व पार्टियों ने क्या क्या बर्ताव किया है तो उसे भी समझना बहुत जरूरी है, और इस बारे में
वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अंग्रेजों के जाने के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत देश के पहले कानून मंत्री बने। और इतना ही नहीं, बल्कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संसद में कानून मंत्री की हैसियत से हिंदू कोड बिल पेश करते हुए ये कहा कि यदि आप हिंदू प्रणाली, हिंदू संस्कृति और हिंदू समाज की रक्षा करना चाहते हो तो इसमें जो कमियां हैं उन्हें हिंदू धर्म के शंकराचार्यों को सुधारने में कतई भी परहेज नहीं करना चाहिए। ये बिल उन्हीं अंगों का सुधार चाहता है जो सही नहीं है। इस बिल में इससे अधिक कुछ भी नहीं है, किंतु इस बिल के पेश होते ही तो बाबा साहब का संसद में इतना ज्यादा विरोध किया गया कि फिर बाबा साहब को सितंबर सन 1991 में अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इस्तीफा देने पर भी फिर उस समय लोकसभा स्पीकर ने बाबा साहब को बोलने तक का भी मौका नहीं दिया था, जबकि रिजाइन करने के बाद हमेशा बोलने का मौका दिया जाता है, बाबा साहब को बोलने तक का भी मौका नहीं दिया गया। इसके बाद फिर इनको अपनी बात मीडिया में बाहर आकर कहनी पड़ी थी। और इतना ही नहीं, बल्कि जब देश में भारतीय संविधान के मुताबिक पहला लोकसभा का आम चुनाव हुआ था तो तब बाबा साहब ने तो मुंबई से लोकसभा का आम चुनाव लड़ा, लेकिन इनको वहां के सभी हिंदुत्ववादी, जातिवादी एवं पूंजीवादी ताकतों ने अंदर अंदर आपस में मिलकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हरा दिया, उनको जीतने नहीं दिया। और जितनी वोटों से बाबा साहब उस चुनाव में हारे थे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके उतने ही वोट उनके रद्द कर दिए गए। इसके बाद फिर बाबा साहब ने महाराष्ट्र के भंडारा से भी लोकसभा का उपचुनाव लड़ा तो वहां भी इनको षड्यंत्र के तहत हरा दिया गया। लेकिन फिर भी बाबा साहब इन सभी हिंदुत्ववादी व जातिवादी ताकतों के आगे झुके नहीं, और वे अपने जीवन के अंत तक देश के खासकर दलितों, पिछड़ों व अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, अपर कास्ट में से जो गरीब लोग थे, जो पूंजीवाद के उस समय शिकार थे, इन सभी लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। और फिर अंत में इनका दिनांक 6 दिसंबर 1956 को देहांत हो गया। ऐसे महान व स्वाभिमानी व्यक्तित्व की मैं अनुयायी भक्त। हालांकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तरह ही खासकर सन 2014 के लोकसभा आम चुनाव से ही यहां बीजेपी व अन्य सभी जातिवादी ताकतों ने अंदर अंदर आपस में मिलकर मेरे मनोबल को गिराने की तथा बाबा साहब की मूवमेंट को भी खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश की है, जो आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। और इस बारे में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि बीजेपी ने पहले सन 2014 के लोकसभा आम चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी करके केंद्र में अपनी सरकार बनाई। उस समय तो हम गलतफहमी में रह गए कि शायद कांग्रेस के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है, शायद इसलिए बीजेपी केंद्र में पावर में आ गई है, लेकिन जिसके बारे में सही मायने में हमारी पार्टी की आंखें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के हुए विधानसभा आम चुनाव में खुली है, जिसमें इन्होंने ईवीएम में धांधली व बेईमानी करके उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में अपनी सरकार बनाई है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के हुए विधानसभा आम चुनाव में इनकी की गई गड़बड़ी को लेकर आम लोगों का ये मानना है कि बीजेपी ने प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटों में से लगभग उन 250 विधानसभा की सीटों पर ईवीएम में गड़बड़ी की है, जिनको ये पार्टी पूरे तौर से अपनी हारी हुई सीटें मानकर चल रही थी, उनमें इन्होंने ये गड़बड़ी की है। और बाकी शेष बची जिन सीटों पर ये पार्टी अपनी जीती हुई सीटें मानकर चल रही थी, तो उन पर इन्होंने ये सोचकर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं की
कि वहां तो ये पार्टी खुद ही चुनाव जीत जाएगी। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।